इसमें आपने कहा कि आपके पास नॉक्स है, सॉक्स है और ये, ठीक है। बड़ा आसान सा मैथमेटिक्स है वो। मैथमेटिक्स ये है कि ये जो गैसेस आप ले जा रहे हैं ये आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। ये एयर पर्चिंग हो रही है, ठीक है। अल्टीमेटली काज हो रहा है एसिडिक रेन का, जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अच्छा, आपका टेम्परेचर जो है वो 250 से ज्यादा है, ऑफ कोर्स लेस देन 150 है इसका ड्यू पॉइंट, ठीक ठीक है। तो सॉक्स तो आपको नुकसान पहुंचा नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि ड्यू पॉइंट इसका ज्यादा है। अब ये तीन रह गए आपके पास, आपने क्या करना है? सिंपल, आपने इसको ले जाना है एक कूलर में, ठीक है ना। इसमें से ले जाइए, इसमें आपका वाटर हो, रिसाइकलिंग वाटर जो होता है, जिसको मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले सेकेंडरी वाटर, ठीक है। इस सेकेंडरी वाटर में ले आइए, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपने इसका टेम्परेचर कम किया, और टेम्परेचर कम करने के बाद आपने क्या किया, यहां से आप शावर करें, ठीक है ना, और इन गैसेस को यहां से एंटर करें और इसको यहां से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें जितनी सॉक्स होगी ये पानी इसके अंदर अपने अंदर चलेगी, इसमें सिर्फ रह जाएगी आपके पास नॉक्स बाद में और CO2, ठीक है। CO2 रहेगी, इस CO2 को अगेन आप ले जाइए ये इसके अंदर आप 17-20% MEA मोनो इथेनॉल एमाइन डाल लीजिए, ठीक है। और मोनो इथेनॉल एमाइन को यहां पर डालने के बाद यहां एक रिसाइकलिंग पंप लगाइए, ठीक है, और यहां से इसको शावर करें, और यहां से इस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस को जिसमें नॉक्स और कार्बन डाइऑक्साइड है ये ले आइए आप यहां लाएंगे, इस MEA को आप शावर करेंगे, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होगी आपकी एब्जॉर्ब MEA एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये आपने एब्जॉर्ब कर लिया, इसको जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ये MEA, इसको आप किसी छोटे से बॉयलर में आप ले जाइए, आपके पास जनरेटर ऑलरेडी मौजूद है, चाहे वो 1 मेगावाट का है चाहे 500 उसकी एग्जॉस्ट गैसेस आपके पास मौजूद है फ्री में, ठीक है। आप एक फ्री बॉयलर लगा लें 105 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दीजिए, ये अगेन CO2 होगी इसके अंदर MEA के अंदर ये रिलीज हो जाएगी, इसको जिस जगह चाहे आप होल्डर के अंदर कलेक्ट कर लें, और अगर और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो कलेक्ट करके एक छोटा सा इसके साथ चिलर प्लांट लगा के इसको आइस के तौर पर इस्तेमाल करें और बेवरेजेस को बेचना शुरू कर दें। आपकी फैक्ट्री के जितने एम्प्लॉयज हैं उनमें से अगर सबके नहीं निकलेगी तो आधे लोगों की सैलरी से निकलेगी, बहुत ज्यादा निकलेगा। इसमें आप ये कर सकते हैं, दो दो काम करें जी। मैं अपने घर के अंदर कमरा बना रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि रोशनदान रख लूंगा, क्यों रख रहा हूँ यार, एयर वेंटिलेशन होगी, बनाते हुए मेरे जहन में ये कि इसकी वेंटिलेशन होगी। लेकिन अगर मेरा नजरिया ये हो, मेरी थिंकिंग ये हो कि इसमें से अजान की आवाज़ आएगी तो मुझे इसका सवाब मिलेगा, हवा तो फिर भी आएगी। अगर मुझे मैं लौकी इसलिए खाऊं कि डॉक्टर ने बताई है, इसलिए ना खाऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी शौक से खाते थे, तो अगर मैं इस नजरिए से खाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी सुन्नत खाना तो मुझे उसका सवाब भी मिलेगा।
मुझे उसका सवाब भी मिलेगा, फादर तो लौकिक अपनी जगह है ही। तो अब तो आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि आपने बफल आपके अगर आपका 5000 टन पर डे आपका प्लांट है और ये 5000 टन आप CO2 एयर में भेज रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि एयर कार्बोनेटेड हो रही है और आपको ये भी पता है कि जब सनलाइट जमीन पर आती है तो अपने साथ हीट एनर्जी लेके आती है और जब ये जमीन से वापस जाती है तो जो IR वापस जाती है वो कार्बोनेटेड एयर में से क्रॉस नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर जमीन पर रह जाता है जिस वजह से हमारी जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप एक नेशन के तौर पर एक अल्लाह की मखलूक के लिए कितना बड़ा नेक काम करेंगे? पैसे का फायदा तो अपनी जगह है, पैसे का फायदा तो आपको होगा ही होगा, लेकिन कितना बड़ा आपको सवाब मिलेगा इस बात का कि आप जो है इस कॉम को इस पॉल्यूशन से बचा लेंगे जिसके लिए ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बेचारा परेशान घूमते। ठीक है ना? तो एक सजेशन मेरी ये थी, आप इसको कर लें। सर मैं आपको बता रहा हूँ, वी एग्री टू डू दिस इमीडिएटली। आप कोई भी मुझे एक दो स्टूडेंट्स देते हैं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट हैपन अभी करें, वी डू फाइनेंस एवरीथिंग।